नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 10। अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग लीन अगेंस्ट अ वर्टिकली वॉल, द बॉटम ऑफ द लैडर इज 3 मीटर फ्रॉम द वॉल, ठीक है, एंड इफ द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड 1 मीटर फार्दर फ्रॉम द वॉल, हाउ मच डज द टॉप ऑफ द लैडर साइड डाउन द वॉल। ओके, तो देखो क्वेश्चन में ये बना है कि एक बॉल है, तो हमने ये बॉल ले लिया, ठीक है, दिस ए सी इज द बॉल, है ना, एंड ए एक लैडर है जिसकी लेंथ है 5 मीटर एंड ए बॉल पे लीन है, ठीक है। अब देखो तो मान लो ये जो लैडर है ये बॉल को टच कर रही है ए पॉइंट पे, दिस पॉइंट ए, ठीक है, एंड ग्राउंड को टच कर रही है बी पॉइंट पे। ओके, और ये भी गिवन है कि जो इसका जो लैडर का फुट है दैट इज पॉइंट बी, ये इस सी से 3 मीटर दूर है, ठीक है, सो दिस बी सी डिस्टेंस इज 3 मीटर। ओके, एंड दिस गिवन इज दिस ए अपन गिवन है 5 मीटर। ओके, एंड उसके बाद क्या बोला है उन्होंने कि अगर इस जो इसका फुट है लैडर का इसको अगर 1 मीटर इस साइड कर दिया जाए, ठीक है, अगर ऐसे किसका दिया जाए इस डायरेक्शन में 1 मीटर, ठीक है, तो हमें बताना है कि जो इसका टॉप है वो कितने मीटर से नीचे आ जाए, ठीक है, मतलब कितना डिस्टेंस ही नीचे आएगा। सो हमें ये डिस्टेंस मेजर करनी है जिसे हमने एक्स से डिनोट किया है। ओके, सो वी हैव टू फाइंड दिस एक्स। सो देखो इन ट्रायंगल आप देखो दिस ए बी सी, ठीक है, अब देखो ए हमने एक्स मान लिया ए डी को एंड डी सी को हमने वाई मान लिया है, ठीक है, तो सी देखो इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल की बात हो रही है ए बी एंड सी, दिस पॉइंट इज सी, इसमें ये देखो ए बी जो है दैट इज द लेंथ ऑफ लैडर एंड ए हमें गिवन है 5 मीटर, ठीक है, एंड बी सी हमें गिवन है 3 मीटर। सो अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो व्हाट वी गेट ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सॉरी ए सी नहीं होगा देखो दिस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर एंड प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, दिस एंगल इज 90 डिग्री, सो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाई, सो अपने पास आ गया ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। नाउ ए बी है 5, सो आ जाएगा 5 का स्क्वायर दैट इज 25 एंड ए सी हमें नहीं पता, ठीक है, इसको वी कैन राइट एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है, ए सी की जगह हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई, ठीक है, एंड प्लस बी सी स्क्वायर, सो बी सी स्क्वायर बी सी इक्वल टू 3 एंड इसका स्क्वायर करेंगे सो यह आ जाएगा 9, ठीक है, सो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बी गेट 25 माइनस 9 करेंगे सो यह आ जाएगा 16, ठीक है। सो फ्रॉम हियर वी गेट कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू है 4, ठीक है, देखो 25 माइनस 9 होगा 16, है ना, एंड ये स्क्वायर इधर जाएगा अंडर रूट करेंगे सो ये आ जाएगा अंडर रूट 16 दैट इज 4, सो एक्स प्लस वाई आ गया 4। नाउ इन ट्रायंगल दिस डी ई सी, देखो ये जो साइड है ई सी ये गिवन है हमें 3 मीटर और इसमें 1 मीटर और प्लस करेंगे सो ये हो जाएगा 4 मीटर, सो ई सी इक्वल टू आ जाएगा 4, ठीक, 4 मीटर, सो वी कैन राइट इसमें अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे सो ये आ जाएगा ईडी का स्क्वायर इज इक्वल टू ई सी स्क्वायर एंड प्लस डी सी स्क्वायर। ओके, नाउ ईडी अगेन इज द लेंथ ऑफ लैडर सो ये हमें 5 मीटर गिवन है सो इसका स्क्वायर करेंगे सो आ जाएगा 25 एंड ई सी है 4 मीटर। ओके, सो 4 का स्क्वायर करेंगे सो ये आ जाएगा 16 एंड प्लस डी सी, डी सी इज इक्वल टू वाई सो आ जाएगा वाई स्क्वायर, सो फ्रॉम हियर वी गेट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16, ठीक है, एंड 25 माइनस 16 करेंगे सो आ जाएगा 9, सो वाई इक्वल टू वी गेट 3, ठीक है, सो इसमें पुट करेंगे वाई इक्वल टू 3, देखो बी है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, सो इसमें वाई इक्वल टू 3 पुट किया सो वी गेट एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 4 एंड एक्स इक्वल टू वी गेट 4 माइनस 3 दैट इज 1 मीटर। सो मीन्स ये जो लैडर है वो 1 मीटर से नीचे आ जाएगी, ठीक है, सो दिस एक्स इक्वल टू कम
1 मीटर। तो दिस इज द आंसर। सो ऑप्शन अगर चेक करेंगे तो ऑप्शन ए इज करेक्ट।